नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर नर्मदा के तट पर बसी शहर जबलपुर को संस्कारों की नगरी कहा जाता है। यहां प्राचीन घाटों पर पौराणिक कथाओं और परंपराओं दोनों का संगम देखने को मिलता है। यह नगरी कई महान तपस्वियों की तपोभूमि रही है। इन्हीं में से एक ऐसे भी संत है जिनके नाम पर जबलपुर को अपनी एक अलग पहचान मिली। हम बात कर रहे हैं महान तपस्वी संत जावाली ऋषि, जिनका पूरा नाम सत्यकाम जावाल था। उन्होंने नर्मदा के तट पर कई वर्षों तक तपस्या की और ऋषि जावाली का समाधि स्थल आज कई लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां रोजाना कई श्रद्धालु पहुंचते हैं और लोगों की इसी आस्था को लेकर नर्मदा के लम्हेटी घाट पर तपस्वी संत जावाली ऋषि की मूर्ति का अनावरण किया गया, जहां पर नर्मदा घाट जाने वाले रास्ते पर एक खूबसूरत गेट का निर्माण किया गया और उस गेट के ऊपर जावाली ऋषि की मूर्ति को स्थापित किया गया। जिस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने बरगी के भाजपा विधायक नीरज सिंह, जनपद अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में जावाली ऋषि को मानने वाले लम्हेटी घाट पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कहा कि जावाली ऋषि की इस मूर्ति के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिलेगी और वह जबलपुर के बारे में जान सकेंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर के लिए सौभाग्य का विषय है जावाल जिसकी स्थापना क्या घाट होना। परेशान न हो इसमें ज़्यादा, कभी कभी नहीं बोलना चाहिए। गुरोर मौन व्याख्यानम छिन्नते सर्व संशयम। गुरु लोग कभी कभी बाहर नहीं बोलते, अंतर में लोगों के बोलते हैं। स्वप्न में, ध्यान में कोई चीज चित्रित करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। सत्संग केवल बाहर का ही नहीं होता है, ये तो बाह्य सत्संग है। सच्चा सत्संग अपने अंदर ध्यान में होता। सत वस्तु जब मिले ध्यान में, हृदय में ध्यान जब किया जाता है, तो सत वस्तु का मतलब है परमात्मा से। त्रिकालावादी जो तत्व है वो सत्य कहलाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में जिसको देखा जाता है, वर्तमान माने अबाधित तत्व है, उसका वध नहीं होता। ऐसा तत्व सत्य माना जाता है। सत उसका ध्यान में संग ही सत्संग है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।